हाय फ्रेंड, इस वीडियो में जानेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा B3+ जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग कैसे एक्टिव करें। तो सिंपली इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में लॉगिन करेंगे और वहां पर सर्च करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा इंटरनेट बैंकिंग। तो एक न्यू पेज ओपन होगा इंटरनेट बैंकिंग से, तो उस पर जाकर क्लिक कर लेंगे। तो क्लिक करने के बाद एक न्यू पेज ओपन होगा, इसमें लिखा होगा रिटेलर यूजर लॉगिन और दूसरा है कॉरपोरेट यूजर लॉगिन। तो हमें फर्स्ट वाला पर क्लिक करना है और फर्स्ट वाला पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक फर्स्ट पेज ओपन हो गया जिसमें दिया गया है यूज़र आईडी। तो हम अपने अकाउंट में जो यूज़र आईडी दिया गया है वो सिंपली यहाँ पर लॉगिन करेंगे। याद रखिए कस्टमर आईडी और यूज़र आईडी दोनों एक ही है, तो अपना कस्टमर आईडी डालकर लॉगिन करेंगे। अगर आपका पहले ही से ही इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव है तो आप लॉगिन पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन कर सकते हैं। मेरा इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव नहीं है तो मैं सेट पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करूंगा। तो ये दो ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड से इंटरनेट बैंकिंग बनाएंगे। अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो फर्स्ट वाला आइकन पर क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर अपना वही मोबाइल नंबर डालेंगे जो हमारे अकाउंट के साथ लिंक होगा। तो नंबर डालने से पहले अपने इंडिया का 91 कोड डालेंगे, इसके बाद अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर इंटर करके कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक वन टाइम पासवर्ड आएगा जो OTP होगा। तो अपना OTP को यहाँ पर फिल कर लेंगे, मोबाइल नंबर वाला OTP मोबाइल नंबर में फिल कर लेंगे और जीमेल वाला OTP जीमेल में फिल करके कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद एक न्यू पेज ओपन होगा जिसमें तीन ऑप्शन दिया गया है, तो हमें सिंपली सेकंड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, रीसेट सिंगिंग एंड ट्रांजेक्शन पासवर्ड कंटिन्यू करना है और ये हमारा एक न्यू पेज ओपन होगा जिसमें अपना सिंगिंग पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड बनाते समय एक बात का ध्यान जरूर रखें कि अगर आप अपने नेम से पासवर्ड बनाएंगे तो वो नहीं बनेगा। आपके नेम में जो वर्ड होगा वो वर्ड यहाँ पर नहीं डालिए और कोई दूसरा डालिए। इसके बाद ट्रांजेक्शन पासवर्ड लॉगिन पासवर्ड से अलग होना चाहिए और इसमें जैसे कोई करेक्टर होना चाहिए, जैसे डॉलर का हो गया या फिर @ या फिर #, हो गया तो वो आपको डालकर ही पासवर्ड बनाना है। और इसके बाद जब पासवर्ड हो जाएगा तो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा फाइनली सेट हो चुका इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड। मगर याद रखिए ये अभी यहीं पर नहीं हुआ है, हमें अलग इसको बदलना भी होगा, इस पासवर्ड को अगले स्टेप में बदलना होगा। तो चलिए बताते हैं कि अगला स्टेप में बदलेंगे तभी हम ट्रांजेक्शन कर पाएंगे ऑनलाइन। तो चलिए सबसे पहले अपना यूज़र आईडी यानी कस्टमर आईडी यहाँ पर फिल कर लेंगे। याद रखिए ये कस्टमर आईडी और यूज़र आईडी एक ही है, ये दो अलग अलग नहीं है। तो अपना कस्टमर आईडी यहाँ पर फिल कर लेंगे और जो हमने सिंगिंग पासवर्ड बनाया था यहाँ पर इंटर कर लेंगे। इसके बाद ये जो कैप्चा दिया गया है कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल कर लेंगे। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ये एक न्यू पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे इनरोल नाउ। तो यहाँ पर हमारा सारा ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पर जो दिया गया है पर्सनल मैसेज, तो यहाँ पर अपना नेम लिखेंगे और ये कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले अपना डिटेल पर्सनल डिटेल डालेंगे कि हम क्या करते हैं या फिर हमारा नाम क्या है, और इसमें इसके नीचे दिया गया है सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो अगर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन भरना है तो केवल 5 ही भरना होगा, और 5 से भी ज़्यादा हैं तो आप केवल 5 ही भरेंगे। और यहाँ पर अपना सिंगिंग पासवर्ड फिल करेंगे फर्स्ट वाला में, और यहाँ इसके जो नीचे दिया गया है न्यू सिंगिंग पासवर्ड, तो अपना सिंगिंग पासवर्ड न्यू बदल लेना है। तो यहाँ पर न्यू ही पासवर्ड आपको सिलेक्ट करना है, फर्स्ट वाला नहीं, और इसके बाद री इंटर करेंगे उसी को। और ट्रांजेक्शन पासवर्ड में वही का वही रहेगा जो हमने फर्स्ट टाइम बनाया था। तो हमने ये सारा फिल कर लिया है, तो चलिए अगला स्टेप में जाते हैं। तो रजिस्टर पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारा ये फाइनली सेट हो चुका लॉगिन पासवर्ड सक्सेसफुली। अब आप इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करके ATM कार्ड या फिर चेक बुक ऑर्डर कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं।
और अपना स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए क्या आप इंटरनेट बैंकिंग बना चुके हैं या बनाने में आपकी कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हम कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो चलिए अगले वीडियो में बताएंगे कि SBI का इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव कैसे करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।